यार असिल भाई, एडिट करना सिखाओ ना व्लॉगिंग का। यार कब सिखाओगे? जैसा कि आपको पता है मैं व्लॉगिंग तो कर रहा हूँ यार, सिखाओ, आपके पांव पड़ता हूँ भाई। एडिटिंग सिखाओ। आप लोग कैसे एडिट करते हो असिल भाई? असिल भाई हम लोग को सिखाओ यार, एडिटिंग करना सिखाओ असिल भाई। यार इतना मजबूर कर रहे हो, हर रोज आता जाता हूँ यहाँ पर यार, किराया लगता है, बेरोजगार फिर भी आपके पास आता जाता हूँ। असिल भाई यार एडिटिंग करना सिखाओ, जल्दी सिखाओ यार। असिल भाई यार मुझे व्लॉग एडिटिंग करने का तरीका सिखाओ यार, बोल बोल के मैं थक गया आपको यार। इतने लोगों ने पूछ पूछ कर मुझे एडिटिंग सिखाने में कर दिया है मजबूर। तो भाई काफी लोगों ने कमेंटों में भी पूछा है और रियल में तो आप लोगों ने देख लिया किस किस ने पूछा है, इसने पूछा है और इस शख्स ने पूछा है, और भी काफी लोगों ने पूछा है रियल में और कमेंटों में। तो इतने लोगों ने पूछा है, क्या बताऊं, रईस भाई से भी पूछा है। रईस भाई पर्सनली मुझे बहुत कह रहे थे कि भाई मुझे एडिटिंग करना सिखाओ, क्योंकि इसने भाई अलग चैनल बनाया, गद्दारी किया मेरे से। तो भाई ये कह रहा है मैं एडिटिंग भी सीखूंगा। तो खैर कोई नहीं, आज तो मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाऊंगा। तो पहले तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, ठीक है भाई। जो भी चैलेंज है, जो भी हमारा भाई एक ही तरीका है, तो उस तरीके को निभाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जैसा कि ये है एडिटिंग का व्लॉग, मतलब एडिटिंग की वीडियो। तो अगर आप लोगों को थंबनेल बनाना सीखना है तो उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप लोग खुद भी देख सकते हो चैनल में जाके अगर मैं भूल गया। तो खैर फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। भाई कोड खोल दे यार, क्योंकि मेरे मोबाइल से वीडियो बन रही है, तो मैंने रहीम भाई को पकड़ के लाया है, तो इसके मोबाइल से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एडिटिंग। तो भाई मैं जिस सॉफ्टवेयर से एडिट करता हूँ वो है कैपकट। अगर आप लोग आईफोन यूजर हो, एंड्रॉयड यूजर हो, जो भी हो, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और एप स्टोर में भी अवेलेबल है। तो भाई ओपन करते हैं अपने कैपकट ऐप को। तो भाई कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। तो भाई जो भी आप क्लिप बनाते हो, जैसे कि मैंने बना दिया अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, ऐसा बना दिया। जैसे कि फिर कहीं गाने गए, उधर का अलग क्लिप बना दिया। ऐसे जाके आप लोग को बहुत सारे क्लिप बनाने ना, जब तक आपका व्लॉग एंड नहीं होता, ये सब आपके आ जाएंगे आपके गैलरी में। फिर आपको जाना है कैपकट में। और काफी लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि भाई आप मीम्स वगैरह कैसे डाउनलोड करते हो। भाई मीम्स यूट्यूब में, जैसे कि आप लोग शेयर में जाके कॉपी लिंक करो, उसके बाद मतलब अलग वेबसाइट है, वहां जाके पेस्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग आईफोन यूजर हो मेरी तरह, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करो, डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर क्रॉप करके एड कर लो अपने, मतलब जहाँ से आप लोग एडिट करते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है यार वीडियो मीम वगैरह डाउनलोड करना। अगर जैसे कि कोई आपको मीम डाउनलोड करना है, जैसे कि गजब बेइज्जती है, आपने भी लिख लिया यूट्यूब पे गजब बेइज्जती मीम, खुद आ जाएगा ये। जैसे कि 5 रुपये क्या है, 50 रुपये काटा और एक्टिंग के, जैसे कि ये चाहिए ये लिख लिया, ये भी आ जाएगा। जैसे कि 80 वाला आपको चाहिए, हा 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 लिख लिया मीम, वो आ जाएगा। अगर इफेक्ट चाहिए, इफेक्ट के भी लिए इसी तरह आपको सर्च करोगे अलग अलग आ जाएंगे। मतलब सब चीज यूट्यूब दे देता है भाई, यूट्यूब सखी बंदा है। तो खैर कैपकट में आपको पहले क्लिप ऐड करने हैं, जैसे कि ये क्लिप मैंने अभी बनाए थे, 1 2 3 ये ऐड कर लिए मैंने। फिर जाके आपको यहाँ जाना है, कहाँ गया ये, एस्पेक्ट रेटियो, सही है। यहाँ जाके आपने सेलेक्ट करना है यूट्यूब साइज, उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है, क्रॉप में जाना है, रोटेट करना है, सही है। ये रोटेट हो गया, साइज आ गया, सही है। उसके बाद जैसे कि ये वाला क्लिप मैंने बनाया है, इधर क्रॉप में जाके इसको कर लिया रोटेट, ये आ गया। ये वाला लास्ट क्लिप, ये आ गया रोटेट, मतलब ये आ गया हमारे 3 क्लिप। और एंड में कैपकट का जो आता है ना लोगो, इसको डिलीट कर दो। बाकी ये भाई फ्री ऐप है हम, और पिक्सार्ट जिससे नहीं मैं एडिटिंग करता हूँ, थंबनेल वगैरह बनाता हूँ, वो भी फ्री है। एक बंदे ने कहा था कि मतलब ये परचेस करना पड़ता है। भाई कोई परचेस करना नहीं पड़ता है, मैं फ्री वाला इफेक्ट वगैरह यूज करता हूँ, फॉन्ट वगैरह वो फ्री में ही आ जाता है। इसके ऊपर अलग मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई जैसे कि ये वीडियो है ना,
Assalamualaikum WhatsApp guys, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने आ रहा हूँ ना, ये चेक कर सकते हैं मैं इधर गलत कह रहा हूँ ना, आज मैं आप लोगों को सिखाने आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, तो भाई मैं आगे से इसी लफ्ज को फिर से कंटिन्यू करूँगा, देखना आज, तो भाई यहाँ मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ करूँगा स्प्लिट और पीछे से ये देखे, तो आज से मैं इसको स्प्लिट करके इस पार्ट को मैं कर लूँगा डिलीट, ये चेक करें, तो आज मैं आप ये यहाँ से फिर से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ छोटा, तो आज मैं और छोटा कर लेता हूँ गाइस, तो आज मैं आप लोगों को देखे बिल्कुल सही हो गए, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ व्लॉग एडिटिंग। तो भाई यहाँ मैं लगाता हूँ एक मीम, सही है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से करूँगा स्प्लिट और फिर प्लस में जाऊँगा, तो प्लस में जाने के बाद कोई मैं एक मीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मीम, हाँ सही है, तो ये आहा किया इसने, फिर आगे एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है तो इसको मैं करूंगा स्प्लिट और आगे से इसको कर लूंगा डिलीट, ये चेक करें, आगे से भी थोड़ा बच रहा है, इसको भी मैं कर लेता हूँ छोटा जब तक इसकी आवाज नहीं आती है, वरना जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना उसको आप लोग रिमूव नहीं करते हो तो दिखने में बहुत बुरा लगता है, ये चेक करें, तो ये हो गया, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ चेक करें तो भाई मुझे अपने दोस्त का नाम याद नहीं आ रहा, जैसे कि देखें तो आगे जब तक मुझे नाम याद नहीं आ रहे मैं वहां तक इसको कर लूंगा स्प्लिट, रईस भाई यहाँ मैंने किया ना, यहाँ मैं इसको कर लूंगा स्प्लिट और ये पार्ट को मैं कर लूंगा डिलीट, देखते हैं रईस भाई, इसको और छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से भी छोटा कर लेता हूँ, रईस भाई ये चेक करें, बिल्कुल हो गया मैच, अभी आगे से और ये बैठा हुआ है इधर भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसी तरह किया हुआ है, चेक करें रईस भाई, ये देखें यहाँ मैंने किया, इसको भी किया स्प्लिट, इसको कर लिया रिमूव भाई, तो भाई आप लोग चेक किया इसी तरह, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना उनको डिलीट किया करो आप लोग देखें, यहाँ भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इस पार्ट को मैं कर लूँगा डिलीट, यहाँ से इसको कर लूँगा स्प्लिट, ये पार्ट भी हो गया डिलीट, तैयार हो तो आप लोग तो आपको मिलते हैं डायरेक्ट उधर, तो आपको मिलते हैं उधर, तो यहाँ पे मैं कैमरे को ऑफ करता हूँ, तो इसको करता हूँ स्प्लिट, आगे जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इसको मैं कर लूँगा रिमूव, तो ये आ गया नेक्स्ट पार्ट, यहाँ मैं अपने कैमरे को सेट कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू, ये चेक करें, यहाँ से मैं अपनी लिपसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इधर से मैं कर लूँगा स्प्लिट, इस पार्ट को कर लूँगा डिलीट, ये चेक करें, डायरेक्ट दूसरा पार्ट आ चुका है, इसी तरह स्प्लिट करने हैं आपको, जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उनको सिर्फ रिमूव करना है, भाई जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ, तो आप लोग तैयार हो एडिटिंग के लिए, सीख रहे हो गे आप लोग, सीख रहे हो ना भाई, इसी तरह सीखो, मन लगा के सीखो, रईस भाई हम भी सीखेंगे आपके साथ साथ, हम भी ना, मैं तो लेजेंड हूं, आप वो भी लेजेंड है, नहीं है और को भी नहीं आता है, तो मतलब सीखो इसी तरह सीखो, तो सीखोगे तो अच्छी एडिटिंग करोगे, अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करोगे और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, ओके तो मिलते हैं, ये चेक करें, यहाँ मैंने किया कैमरा ऑफ, तो इसको कर लूँगा यहाँ पे स्प्लिट और ये आ गया कट, फिर से आ गया नेक्स्ट पार्ट, तो भाई ये यहाँ भी थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ कट, तो भाई ये मेरा घर है, एडिटिंग रूम है और ये मेरा ट्राईपॉड है, जैसे कि मैंने कट ट्राईपॉड, ये कूलर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ एक मीम्स स्प्लिट करके, तो ये रख लेता हूँ ना मीम्स ऐड कर लेता हूँ, ये चेक करें, तो
तो इसको कर लूँगा ज़्यादा बड़ा, अच्छा नहीं लगता इसको स्प्लिट करके रिमूव। मीम्स लगाने के बाद मैं अक्सर अपने व्लॉगों में साउंड यूज़ करता हूँ आहा वाला ना, तो उसके लिए आपको ऑडियो में जाना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। ये साउंड आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आहा लिखोगे वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो भी इसको मैं करता हूँ हेड, ये चेक करें, छोड़े और ये मैं चेक किया, छोड़े और ये साउंड आ गया, ये रही से और चार्जर है तो हम बैठे हैं। ये देखें यहाँ मैं ऐसा, तो यहाँ भी मैं कर लेता हूँ आहा वाला साउंड ऐड, ये चेक करें तो हम बैठे हैं। ये तो भाई यही तो बोलो, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। ये देखें तब तक के लिए, तो यहाँ पे मैं अपना एक मेरा मीम से मैं अक्सर रोल लगाता हूँ वो मैं लगा लूँगा, अल्लाह हाफिज़, ये चेक करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस उसके बाद सिर्फ आपको करना है यहाँ से सेफ, ये डायरेक्ट हो जाएगा सेफ। मतलब नॉर्मल एडिटिंग है यार, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को स्ट्रिप वगैरह चाहिए, जैसे कि कोई इफेक्ट वगैरह, उसके लिए आप लोग यहाँ जा सकते हो स्टिकर्स में। स्टिकर्स में आप जाओगे, आपके पास काफी चीजें अवेलेबल हैं, सब्सक्राइब का और ये देखें बेल आइकन वगैरह, काफ़ी इफेक्ट्स हैं जो के मतलब एक कंप्यूटर लैपटॉप में होते हैं ना, वो कैपकट में भी अवेलेबल है, ये चेक करें, ये सब्सक्राइब इतनी क्या क्या चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। देखें ये व्लॉग में जाएं, ये मेरा घर है के, ये देखें बिलर वाले, मतलब काफ़ी चीज़ भी कैपकट में अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप भी नहीं है, मसला नहीं है, ना कंप्यूटर है, मसला नहीं है, कैपकट इज़ द बेस्ट व्लॉगिंग के लिए ऐप है भाई। तो खैर यही था भाई, मैं नॉर्मल एडिटिंग करता हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं मतलब कैसे एडिट करता हूँ, कितना मुश्किल होगा भाई, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको मुश्किल लगा इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान, नसीब गया। आज के बाद आपका व्लॉग मैं भी एडिट करूंगा। लव यू, यही बात सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। तो खैर बस इसी तरह मतलब के व्लॉगिंग एडिट करना सीखो और हमें भी अच्छे अच्छे बातें करना सिखाओ और अच्छे अच्छे मतलब के व्लॉग्स बनाने का मतलब बोलो भाई, ये करो वो करो, चैलेंज भेजो। हाँ यार, चैलेंज के लिए कमेंट्स करो यार हम लोग, ताकि हम ब्लॉग्स बनाए। हमारे पास कुछ टॉपिक ही नहीं होते यार, बाकी लाओ मोबाइल को अभी यार। यही था हमारा नॉर्मल एडिटिंग। रईस भाई जी, भाई सीख गया पक्का ना? सो मच आपने एडिटिंग करना। अरे नहीं यार भाई, हो यार बाकी यार रईस भाई ने मेरे को बहुत मजबूर कर लिया था, बोलते सिखाओ सिखाओ सिखाओ, तो फाइनली आज मैंने आप लोगों को सिखा दिया। काफ़ी लोगों का मोबाइल सपोर्ट नहीं करते हैं ना कैपकट को, वो भाई काइन मास्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं, काइन मास्टर से भी होता है, सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र हाँ, आईफोन यूज़र कैपकट इज़ द बेस्ट। तो खैर यही था हमारा एडिटिंग ओ व्लॉग, तो भाई इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यार दिखाते रहें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।